हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, बहरोड बीजेपी नेता मोहित यादव पर 5 दिन पहले हुए हमले का मामला। अनाज मंडी से पुलिस थाने तक काली पट्टी बांध कर निकाला मौन जुलूस। बीजेपी नेताओं ने उपखंड कार्यालय पर एसीएम से घटनाक्रम की अपडेट को लेकर की वार्तालाप। थाने से सामने हजारों समर्थकों को सांसद सहित अन्य नेता कर रहे संबोधित। 13 फरवरी तक सभी आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे नहीं किया तो होगा भारी विरोध प्रदर्शन। आपके क्षेत्र की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज टुडे। धरती पर शांति चाहते हो तो बलदीप यादव को तुरंत या तो इस्तीफा दे या सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देने के बाद माफीनामा दे, तभी यहाँ की जनता का अभी देखो। अभी हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है, यहाँ के वर्तमान डीएसपी साहब भी थे, उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट के बहुत नज़दीक हैं और लगता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक वो निर्णय कोई परिणाम हम सबको दे पाएंगे। हमें उम्मीद है क्योंकि उम्मीद हमारे भारत के संविधान पर है। आज नहीं तो कल हम न्याय लेकर रहेंगे और न्याय निश्चित रूप से जनता को मिलेगा। और जिस प्रकार की गुंडागर्दी जो लोग इस भैरव के अंदर अपना निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, उनको दंड देने का काम करेंगे। होता है तो आम आदमी क्या क्या सुरक्षा है उसके विरोध में ये प्रशासन को जगाने के लिए, ये पूरी कांग्रेस सरकार को सचेत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता आज आह्वान करता है। और आपको एक ज्ञापन के रूप में महोदय ने हमारे को अल्टीमेटम दिया था और वह आज तक किसी भी को पकड़ के हमारे सामने नहीं पेश हुआ है। आपसे ये आग्रह करने आए हैं, इस तरह का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि ज्ञापन के प्रति आपको कोई अपनी बात कहें। आज बहरोड के आम जनता का, आम जनमानस का, बहरोड के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक संदेश, एक मैसेज बहरोड के प्रशासन को, बहरोड के प्रशासन के हाथ धोने के लिए होने की भी तैयारी कर ले। आज शांति से है, आज हम शांति से अपना निवेदन आग्रह करने आए हैं और ज्ञापन देंगे। और उसके बाद यदि हमें न्याय नहीं मिला तो भैरव की धरती पर इस तरह का कोहराम मचेगा, बलजीत नाम की चिड़िया यहाँ कहीं दिखाई नहीं देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौन होकर कह रहा है, जो कि नेतृत्व जो बोलेगा। आप सबसे निवेदन, अभी अभी आग्रह किया आप सब, पिछले 2 वर्ष के घटनाक्रम के बारे में आप जानते हो। वर्तमान जो एसडीएम है उसको भी मैंने कई बार खुद निजी रूप से फोन पे भी और आके भी मैंने एक बार आया था, तब भी बात रखी। लगातार यहाँ पर जो है कि हमारी बीजेपी के कार्यकर्ता हो, पार्टी के या कोई भी आम मानवीय हो, जो भी कोई फेसबुक पे छोटे से एक कॉमेंट भी अगर नेगेटिव विधायक के प्रति कर देता है तो तुरंत उस विधायक के कहने पर प्रशासन जो है कि वहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ में मतलब कि शांति भंग के आरोप में या अन्य धाराओं के आरोप में उनको गिरफ्तार करता है, उनकी पिटाई करते हैं। ऐसे कई घटनाक्रम पिछले वर्ष में हो चुके हैं, पिछले 2 वर्षों में। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप संवैधानिक पद पे हो और आप जो है संघ का कार्यकर्ता है, वो बिना पढ़ा लिखा एक जेब कटा आके अपनी बातें कर करके बन गया तो कम से कम उसके बाद तो अपने आप को बन सकता है। आज मोहित पर जिस तरह से कातिला हमने हमला किया, मोहित उसकी एक एक बातें उठा रहा था। आपका स्कूल गया, क्या ले लोगे अब, नलिये बनवाते हैं ना, सैनिक स्कूल गया। महाराज जी ने प्रयास किए, मेहनत की, सबसे ज्यादा शहीद आपके यहां हुए। सैनिक स्कूल महाराज जी मंजूर करा के लाए और राजस्थान सरकार के गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो उठाएगा टपोरी विधायक है, इसको क्या करूंगा, वो जाके मालाखेड़ा जमीन अलॉट कर दी। सैनिक स्कूल रात केंद्रीय विद्यालय रात दिन सियाई सबके लिए भाग दौड़ की। महाराज जी ने केंद्रीय विद्यालय मंजूर कराया, वो रेणी के अंदर जाकर के जमीन अलॉट हो गई। तो काम करने के थे वो नहीं, केवल माँ बहन की गालियां देना, बच्चों पे आक्षेप लगाना। मैंने उसको स्वयं को कहा था, अरे नालायक तू ये कर्म मत कर, टेलीफोन के ऊपर
मैंने खुद कहा कि तू अपनी बहन बेटियों के भी ऊपर आक्षेप लगवाता है, दूसरे भी बहन बेटियों को तो बकस, और इसकी समझ में नहीं आता है टपोरी आदमी की। मैंने कहा था लठ लेके वह खड़ा हुआ, मैंने ये कहा था कि ये गंदगी समाज में फैला रहा है, तहसील में गंदगी फैला रहा है, इससे अच्छा तो एक लठ तू ले ले, एक मैं ले लूं, पूरे प्रशासन को कह देते हैं, पूरी जनता को कह देते हैं, केवल मैं और तू रहे, तू निबट गया तो ठीक है, मैं निबट गया तो ठीक, समाज से गंदगी तो उठ जाएगी। क्या मैं दिखा रहा है? अरे मेरी तेरी बात हुई है, ये आज भी मैं पूरे प्रशासन के सामने चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पूरा परिवार लिख के देगा, हमारी सुरक्षा के अंदर पूरा प्रशासन रहेगा, हमारी यहाँ की पूरी जनता फैसला करने में रहेगी, अकेला वो हो अकेला मैं हूं, जिस दिन कहोगे उस दिन निमट के दिखा दूंगा। एक मोहित हत्या कराने की योजना अगर बोलता है, तेरी चोरी चकारी के खिलाफ बोलता है, तेरी घटियापन के खिलाफ बोलता है, तो मोहित में ताकत है, मोहित को निपटा दे, मोहित को निपटा दिया तो कोई बचेगा ही नहीं। अरे तेरे 12-12 गुंडों को अकेले मोहित ने मुकाबला कर लिया, अगर दम होता तो तू अकेला निमटता, 12 गुंडे नियत्ता बिल्कुल अकेला, कातिलाना हमला, और हमारे एक थानेदार साहब तो क्या कह रहे कि एक्सीडेंट रह गए। मैंने कहा यार तुझे कैसे एक्सीडेंट रह, साला जो विधायक बोले वही प्रशासन बोले, पहली बार है कातिल लोग जाकर के विधायक के घर पे छुप गए, पुलिस यहाँ की पकड़ लाई, नीचे ले आई, हिम्मत दिखाई, उस दिन के सीओ साहब ने और उनकी गाड़ी से छीन ले गया, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है। मोहित में बलजीत में वो अंतर है कि 24 तारीख को जो ये घटना घटी थी, हम सब लोग धरने पे थे, एसपी साहब खुद मौजूद थे, एडिशनल एसपी साहब थे, आप भी मौजूद थे, उस वक्त एसपी साहब ने कहा था कि 2 या 3 दिन में हम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेंगे, आज 4 दिन हो गए, 24 के 5 दिन ही हो गए, 29 तारीख के आज एक भी मुजरिमान गिरफ्त में नहीं आया, और जो मुझे जानकारी, हम सबको जानकारी है, जयपुर में निवास